हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेलकम ऑटो पर। अगर आप भी एक 7 सीटर SUV या फिर MUV कार की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुल 7 सीटर कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मूल्य 10 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने कार्स की लिस्ट की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में हम टोटल 7 सीटर कार्स के बारे में बात करेंगे जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 10 लाख रुपीज़ से और जाता है 15 लाख रुपीज़ तक। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 7th नंबर पे है मारुति सुजुकी अर्टिगा। मारुति सुजुकी अर्टिगा एक 7 सीटर MPV कार है। MPV मीन्स मल्टीपर्पज़ व्हीकल। इस कार में कुल 7 यात्रियों के बैठने के लिए सीट उपलब्ध है। अर्टिगा फर्स्ट टाइम 2012 में लॉन्च हुई थी और अभी इसका सेकेंड जनरेशन मार्केट में आ गया है। अर्टिगा में टोटल 5 वेरियंट्स आते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं: LXi, BXi, ZXi, ZXi Plus, ZXi Plus ऑटोमेटिक। अर्टिगा में कुल 6 कलर्स का ऑप्शन मिलता है आपको, डार्क रेड, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, वाइट और सिल्वर कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। सेफ्टी के अंडर 4 एयरबैग्स, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, ब्रेक असिस्ट, कीलेस एंट्री, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। अर्टिगा में 1462cc इनलाइन 4 सिलेंडर सुजुकी K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 101 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 136 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता है ये इंजन आपको पेट्रोल पर, और CNG पर 25 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता है। अर्टिगा की प्राइस स्टार्ट होती है 8,35,000 रुपीज़ से और जाती है 12,80,000 रुपीज़ तक। और हमारी इस लिस्ट में 6th नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो नियो। महिंद्रा TUV300 का अपग्रेडेड वर्जन है महिंद्रा बोलेरो नियो। बोलेरो नियो 2021 में लॉन्च हुई है। टोटल 4 वेरियंट्स में आती है महिंद्रा बोलेरो नियो, जो कुछ इस प्रकार से है: N4, N8, N10 और N10 ऑप्शनल। N10 ऑप्शनल इसका टॉप एंड वेरिएंट है। टोटल 6 कलर्स के ऑप्शन के साथ आती है महिंद्रा बोलेरो नियो, जो कुछ इस प्रकार से हैं: ब्लैक, सिल्वर, रेड, पैरल वाइट और डायमंड वाइट, और बेज कलर्स का ऑप्शन मिलेगा नियो में। महिंद्रा बोलेरो नियो एक 7 सीटर SUV है। इसमें 7 यात्रियों के लिए पर्याप्त सीट उपलब्ध है। सेफ्टी के अंडर 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नरिंग, ब्रेक कंट्रोल्स, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, डिजिटल इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे बोलेरो नियो में। बोलेरो नियो में 1500cc इनलाइन 3 सिलेंडर महिंद्रा MHawk 100 पावरफुल डीजल इंजन मिलता है। इसकी 100 हॉर्स पावर है, 260 Nm टॉर्क है। ये इंजन आपको 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। महिंद्रा नियो की प्राइस स्टार्ट होती है 8,50,000 रुपीज़ से और जाती है 10 लाख रुपीज़ तक। और अब हमारी इस लिस्ट में 5th नंबर पे है किया कारेंस। किया कारेंस एक इंडियन MPV कार है। MPV मीन्स मल्टीपर्पज व्हीकल। किया कारेंस फर्स्ट टाइम 1999 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का 4th जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं आप। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस में आती है। टोटल 6 वेरिएंट्स में आती है किया कारेंस, जो कुछ इस प्रकार से हैं: प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस और लग्जरी, और लग्जरी प्लस। लग्जरी प्लस टॉप एंड वेरिएंट है। किया कारेंस में आपको 8 कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से हैं: ब्लू, ब्राउन, सिल्वर, रेड, वाइट, क्लियर वाइट, ग्रेविटी ग्रे और ब्लैक कलर्स का ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी के अंडर 6 एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर, कीलेस एंट्री, बर्कलर अलार्म्स, आगे पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर साथ मिलेगी। किया कारेंस में आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में आपको 1500cc इनलाइन 4 सिलेंडर DPFI Hyundai स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 113 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 144 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन आपको 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगा
45 लीटर की फ्यूल टैंक से। किया कारेंस का प्राइस स्टार्ट होता है 9 लाख रुपीज से और जाता है 17 लाख रुपीज तक। और अब हमारी इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। महिंद्रा स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम 2002 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में दो वेरिएंट्स आते हैं, एस और S11। टोटल 5 कलर्स ऑप्शंस में आती है स्कॉर्पियो क्लासिक, जो कुछ इस प्रकार से हैं: रेड रेज, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर, व्हाइट। सेफ्टी गेंडर, 2 एयरबैग्स, ABS, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स, टायरट्रॉनिक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, स्पीड अलर्ट्स, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेक इंडिकेटर्स, इमरजेंसी कॉल, रिमोट सेंटर लॉकिंग, साइड इंट्रूजन बीम्स, एंटी थेफ्ट वार्निंग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक में। स्कॉर्पियो क्लासिक में 2200cc इनलाइन 4 सिलेंडर, DOHC ऑल एल्युमिनियम, सेकंड जनरेशन MHWAK, वेरिएबल जियोमेट्री, टर्बोचार्जर, इंटरकूलर, कॉमन रेल, डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी डीजल इंजन मिलता है। इसकी 130 हॉर्स पावर है, 300 Nm टॉर्क है और 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। स्कॉर्पियो क्लासिक का प्राइस स्टार्ट होता है 12 लाख रुपीज से और जाता है 15,50,000 रुपीज तक। स्कॉर्पियो क्लासिक एक 7-सीटर ग्रैंड SUV है। इसमें 7 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। और अब हमारी इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे आती है न्यू टाटा सफारी। टाटा सफारी फर्स्ट टाइम 1998 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का थर्ड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। टाटा सफारी टोटल 13 वेरिएंट्स में आती है और 9 कलर्स ऑप्शन के साथ आती है टाटा सफारी, जो कुछ इस प्रकार से हैं: स्टारलाइट ऑरेंज, ब्लैक, बेज, व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ब्लू, ट्रॉपिकल मिस्टीरियस कलर्स, ग्रे और व्हाइट कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। सेफ्टी कैंडर, 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रक्शन के कंट्रोल्स, रोल ओवर मेडिएशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्सिंग कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ISO फिक्स, चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे आपको टाटा सफारी में। टाटा सफारी में 2000cc इनलाइन 4 सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड, ES6 टाटा, कैरोटेक, फीएट, मल्टीजेट सेकंड इंजन, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल ज्योमेट्री, टर्बोचार्जर डीजल इंजन मिलता है। इंजन 167 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है, 14 KMPL का एवरेज मिलता है 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। टाटा सफारी का प्राइस स्टार्ट होता है 15,40,000 रुपीज से और जाता है 24 लाख रुपीज तक। और हमारी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो N। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च हुई थी और आप फोर्थ जनरेशन वेरियंट देख रहे हैं। स्कॉर्पियो N पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में आती है। स्कॉर्पियो N में टोटल 7 यात्रियों के बैठने के लिए सीट उपलब्ध है। स्कॉर्पियो N में टोटल 6 वेरियंट्स आते हैं, जो कुछ इस प्रकार Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L, Z8L Explore Edition, टोटल 7th कलर का ऑप्शन मिलता है आपको स्कॉर्पियो में, जो कुछ इस प्रकार से हैं: सिल्वर, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक, गोल्ड, रेड रेज। सेफ्टी गेंडर, 6 एयरबैग, ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, 30-inch ड्राइवर पावर विंडो मिलेगी, ISO फिक्स, चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो N में। डीजल में 2200cc इनलाइन 4 सिलेंडर, ऑल एल्युमिनियम, MHWAK, कॉमन रेल, डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन मिलता है। इस इंजन की 130 हॉर्स पावर है, 300 Nm टॉर्क है और ये इंजन 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगा 57 लीटर के फ्यूल टैंक से। महिंद्रा स्कॉर्पियो N का प्राइस स्टार्ट होता है 12 लाख रुपीज से और जाता है 20 लाख रुपीज तक। और हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है महिंद्रा XUV700। XUV700 फर्स्ट टाइम 2011 में लॉन्च हुई थी और ये 2021 का सेकंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस में आती है। महिंद्रा XUV700 में 7 लोगों के बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। महिंद्रा XUV500 को रिप्लेस किया है XUV700 ने। XUV700 में टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, जो कुछ इस प्रकार से: मैक्स, AX3, AX5, AX7 और AX7 लग्जरी पैक। XUV700 में टोटल 5 कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से: व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, रेड रेज और ब्लू। सेफ्टी गेंडर, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, लाइन व्यू मॉनिटर, पैसिव कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्सिंग कैमरा, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक्स,
चाइल्ड सीट माउंटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मेडिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, सेकेंडरी कॉलेजिंग मेडिकेशन और पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे XUV 700 में। डीजल में 2200 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर, टर्बो चार्ज CRDI महिंद्रा एम हवाक पावरफुल डीजल इंजन मिलता है। इसकी 182 हॉर्स पावर, 420 Nm टॉर्क मैनुअल वेरिएंट में और 450 Nm टॉर्क जनरेट करती है ऑटोमेटिक वेरिएंट। इंजन 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। वहीं पेट्रोल में आपको 11 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा। महिंद्रा XUV 700 की प्राइस स्टार्ट होती है 12 लाख रुपीज से और जाती है 23 लाख रुपीज। सो गाइस ये थी टॉप 7 सीटर कारें। सो गाइस ये थी टॉप 7 सीटर कार्स जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 10 लाख रुपीस से और जाता है 23 लाख रुपीस तक। इनमें से कौन सी कार आपको पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।